चित्रकूट स्थित महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में 24 सितंबर को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST द्वारा अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सहयोग से स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों की योगदान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर उमा कुमरे पति द्वारा आयोग से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई, साथ ही उपस्थित छात्र छात्राओं से संवाद किया। मुख्य अतिथि प्रदेश के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल द्वारा तमाम जनजातीय नायकों को याद करते हुए कहा कि इतिहास में जो ऐसा स्थान जनजातीय नायकों को मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिला। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर भरत मिश्रा द्वारा की गई। विशेष अतिथि के रूप में रामराज सिंह तो वहीं विशेषज्ञ के रूप में श्रीमती मीनाक्षी शर्मा मौजूद रही। दौरान सभा स्थल के बाहर जनजातीय नायकों की प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम में दीनदयाल शोध संस्थान के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अभय महाजन सहित ग्रामोदय विश्वविद्यालय के प्रधान अध्यापक कर्मचारी छात्र छात्राओं सहित अन्य तमाम लोग मौजूद रहे। आज ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा एवं अखिल भारतीय वनवासी परिषद द्वारा हमारे अनुसूचित जनजाति के नायकों का राष्ट्र की आजादी में क्या योगदान था उसके लिए संगोष्ठी थी। और आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर श्रीमती उमा कुमरे परते और जो आज की राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के निदेशक हैं।